This is Hindi Day celebration. Oh, you know, we must talk in Hindi. रात को अंग्रेजी पीकर हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं, हमारी इस भाषा के लिए जो हमें ईश्वर ने सौंपा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Lora, and we are here tonight for having some great fun and poetry and music and whatnot, you know. I know that you have been waiting for me. आप कहेंगे ये मुझे क्या हो गया? मैं भी कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान को ये क्या हो गया? जब भी हम बात करते, you know, I wanna say. You know, I was going there. You know, my Hindi is bad. हमें ये बोलते शर्म क्यों नहीं आती कि my Hindi is bad, मेरी हिंदी खराब है, ये बोलते हुए हमारा सिर जो है झुक क्यों नहीं जाता? हम अंग्रेजी को महान और अपनी भाषाओं को नीचा क्यों मानते? हम अपने बच्चों को जबरदस्ती वो भाषा क्यों सिखाना चाहते हैं जिस भाषा में वो सोचते नहीं? हम अंग्रेजी को क्यों मान लेते हैं कि उसे आने से हम बहुत ज्ञानी कहलाएंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की हर भाषा का सम्मान हमें करना चाहिए और हर भाषा का सम्मान है, लेकिन हमारी हिंदी दुनिया की एकमात्र भाषा जो जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, ये हमारी हिंदी की ताकत है। और आज उस हिंदी का दिन है, हिंदी दिवस 14 सितंबर, जिस दिवस के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं उस हिंदी कविता के कार्यक्रम में, जो बात हिंदी की करता है, हमारी भाषाओं की करता है और आपके दिलों में उतर कर करता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई है हिंदी दिवस के दिन के, मुझे स्वर्गीय वीनू महेंद्र की चार पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी से छिड़ी जंग हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी से छिड़ी जंग हिंदी में बोलिए, मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पे मंत्री ने भाषण में यह कहा, हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए। हमारी हिंदी जो हमारी मां है, आज हमें खुशी है कि इस एक दिवस को हम मना रहे हैं। लेकिन तब मुझे मेरी ही कविता की चार पंक्तियां याद आती है जो मैंने कभी कही थी कि मुझ अकिंचन को मां हिंदी ने अपने आंचल में पाला, मुझ अकिंचन को मां हिंदी ने अपने आंचल में पाला, कुछ रचलू में अनगढ़ सा ये अनुपम वर दे डाला, कुछ रचलू में अनगढ़ सा ये अनुपम वर दे डाला। सिर्फ एक दिवस हिंदी का, क्या शेष दिन बाधित हैं? अरे मेरा तो हर क्षण हर पल पूरा जीवन हिंदी को समर्पित है। वो हिंदी जब बात करती है तो यूं कहती है कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं, देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गली चाहिए गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। उस हिंदी के बेटे और एक बेटी यहां पे उपस्थित है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये हिंदी दिवस हम हंसते खेलते हंसते हंसाते मनाएंगे और हिंदी के लिए, हिंदी के बेटों के लिए, हिंदी की वर्णमाला के लिए, हिंदी के शब्दों के लिए, हिंदी के इस आंचल के लिए मिलके कहेंगे वाह भाई वाह। और तीन लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, हरेश चतुर्वेदी जी जो आगरा से आए हैं और पवन आगरी भी जो आगरा से आए हैं, और दो आगरों के बीच में ये सुमित्रा सरल नाम की युवती बैठी है। ये तीनों अपने अपने अंदाज के बड़े पारंगत लोग हैं और बहुत कमाल की कविताएं करते हैं, और हिंदी विशेष में मैं आप तीनों का बेहद स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ सुमित्रा, आप क्या कहना चाहती है हिंदी के लिए, एक अपनी चार पंक्तियों में हमें जरूर बताएं।
हवा की सरगमों के संग किनारे मौन रह जाते, गगन को भेदने वाले वो नारे मौन रह जाते। हमारे दिल जुबा तेवर में जो हिंदी नहीं होती, गजल मुक्तक रुबाई गीत सारे मौन रह जाते। क्या बात है भाई, वाह वाह। निश्चित तौर पे सब लोग मौन रह जाते। और वैसे हिंदी कमाल की बात है, हिंदी भाषा कमाल की है, अद्भुत है। कई बार तो बिना बोले भी ये भाषा बहुत कुछ बोल देती है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, दुनिया में किसी भाषा में इतना अच्छा एक्सप्रेशन जो है नहीं हो सकता जब बिना शब्दों के एक्सप्रेशन हो जाए। मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम्हें किसी पे गुस्सा आ जाए तो आप कमरे से बाहर निकाल रहे तो तुम क्या कहोगे? बोले गेट आउट। इनका और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो बोले मैं कहूंगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस, जस्ट गेट लॉस्ट। हिंदुस्तान में आदमी को दो वक्त अंग्रेजी का बड़ा शाव होता है, एक जब गुस्सा आता है, एक रात को 9 बजे के आसपास, तब स्वतः ही अंग्रेजी निकलती है, फूटती है, अंग्रेजी एकदम फूटने लगती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें बाहर निकालना तो क्या कहोगे? गेट आउट। और गुस्सा आ जाएगा तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। हमें कहो कि इसे बाहर निकालना है। बिना शब्द के जो हमारा भाव है वो अद्भुत है। बोलो पवन के इसे बाहर निकालो, बाहर निकाले। मुझे बताइए इससे ज्यादा बिना शब्द का कोई भाव हो सकता है? ये हमारी भाषा का कमाल है। हिंदुस्तान में जो हमारी अपनी भाषा है इसका सम्मान अद्भुत और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो मैं कह रहा था, अंग्रेजी से इतना मोह मत रखिए, मेरे इस वाक्य को याद करके लेके जाइए कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। ये भाषा है, ज्ञान नहीं है। अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि वो ये कहें कि हमारी हिंदी खराब है। हिंदी खराब होना गर्व की नहीं, शर्म की बात है। कोई भी भाषा, हमारी आंचलिक भाषा इतनी खूबसूरत है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, हमारी तमाम भाषाएं इस देश की, हर भाषा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी कोई भाषा दोयम दर्जे की नहीं है। जितना लालित्यपूर्ण साहित्य हमारी भाषाओं में रचा गया, जो संस्कृति हमारी भाषा की है वो अद्भुत है। और हिंदी की तो बात ही अलग है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा हो उसे एक वाक्य में कह दीजिए, हिंदी में समझाऊं क्या? उसे एक क्षण में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच आज हिंदी पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप हमारे देश की शान है क्योंकि आप हमारी भाषा को पढ़ा रहे हैं, और भाषा को पढ़ाने से बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। वो बहुत खूबसूरत भाषा है और बहुत ही अच्छे आप लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बुलाता हूं उन्हें जिनके पास हिंदी दिवस पे कहने के लिए एक अलग अंदाज है जो अद्भुत है, एक कमाल के प्रखर व्यंग्यकार है, और नाम है हरेश चतुर्वेदी जी। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हिंदी दिवस पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं जो जरूरी है देना, कि मैं बैंक के कर्मचारी रहा, बैंक से रिटायर हुआ, लेकिन उससे पहले मैं 2 साल शिक्षक रहा। अच्छा, लेकिन शिक्षक मैंने क्यों छोड़ा उसका रीजन भी आपको देता हूं। एक छात्र की प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि मुझे शिक्षा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। स्कूल में काम करता था मैं, उस दिन पढ़ाने का मन नहीं था, पर काफ़ी थका हुआ था, मैं जाके कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर मैंने पैर रख लिए, मुंह पर टोपी रख ली और बच्चों से कहा चलो मुझ पर ही निबंध लिखो, और मैं सो गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने मेरा कंधा थपथपाया, बोले माँ साहब। बोले क्या? बोले कुत्ते कमीने पर छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की? जब उसने मुझे ये रूप दिया तो मुझे छोड़ना ही ठीक लगा। उसके बाद मैं बैंक में आ गया, फिर मैंने बैंक को धन्य किया। मैं हिंदी दिवस है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारी बैंक में हिंदी दिवस पर हिंदी अधिकारी ने हिंदी की दुकान लगाई। अच्छा, दुकान लगाई, वाह। व्यंग शब्द शब्द में व्यंग देखिए। हमारे बैंक में हिंदी दिवस पर हिंदी अधिकारी ने हिंदी की दुकान लगाई, चारों तरफ हिंदी के जुमलों से महफिल सजाई, हमको फोन किया आपको आना है।
हिंदी पर कविताएं सुनाना है और कविता क्या सुनाना है, बड़े अधिकारी के साथ फोटो खिंचवाना है। हाँ। बड़े अधिकारी आए, फ्रेंड्स। अच्छा, डियर फ्रेंड्स, दिस इज हिंदी डे सेलिब्रेशन। डियर फ्रेंड्स, दिस इज हिंदी डे सेलिब्रेशन। ओ यू नो वी मस्ट टॉक इन हिंदी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वी मस्ट टॉक एंड स्पीक इन हिंदी और नॉट एट ऑल, इफ नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट वी कैन साइन इन हिंदी। क्या बात है, नॉट एट ऑल पॉसिबल वी कैन साइन इन हिंदी। हमने कहा, बोले दैट इज ऑल, हमने कहा जियो मेरे लाल। वाह वाह, वी कैन साइन इन हिंदी, दैट इज ऑल, हमने कहा जियो मेरे लाल, तुम जैसे अधिकारी हिंदी को उठाएंगे, अरे ये तो हिंदी को ठिकाने लगाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, तुम जैसे अधिकारी हिंदी को उठाएंगे, अरे इसको तो ठिकाने लगाएंगे। तुमसे तो अच्छे इनकम टैक्स और ईडी वाले हैं कि जब किसी पर छापा पड़ जाता है तो जो आदमी पहले अंग्रेजी में गुर्राता है माल बरामदगी पर, वो हिंदी में गिड़गिड़ाता है। बहुत बढ़िया, तुमसे अच्छा तो इनकम टैक्स और ईडी वाले हैं, जब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है तो छापा पड़ने से पहले जो आदमी अंग्रेजी में गुर्राता है वो बाद में हिंदी में गिड़गिड़ाता है। हिंदी में गिड़गिड़ाता है क्योंकि हिंदी की बात चली गई। हिंदी के कुछ बड़े प्यारे प्यारे मुहावरे हैं। एक ना मुहावरा है, नेकी कर और कुएं में डाल, भलाई करता जा और भूलता जा। तदनुसार मैंने जिंदगी जी तो कुछ पंक्तियां लिखने के लिए बाध्य हुआ। सुनिएगा, व्यंग का मजा लेना कि क्या कहा, नेकी कर और कुएं में डाल। लेकिन सुन प्यारे लाल, कब तक इन आदर्शों को ओढ़ेगा बिछाएगा, तू समझ जा नहीं तो पछताएगा। तू नेकियां ही करता रह जाएगा और तुझे तेरी नेकियों समेत कोई कुएं में धकेला आएगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रेश भाई। क्या कहा, नेकी कर और कुएं में डाल। लेकिन सुन प्यारे लाल, कब तक इन आदर्शों को ओढ़ेगा बिछाएगा, तू समझ जा नहीं तो पछताएगा। तू नेकियां ही करता रह जाएगा और तुझे तेरी नेकियों समेत कोई कुएं में धकेल आएगा। पर ये मत समझना कि मैं तेरी आस्थाओं को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं कुएं में से ही बोल रहा हूँ। मुहावरा है नाक में दम करना। मुझे अपनी नाक करने का डर, मुझे अपनी नाक कटने का डर, और वे मेरे सहायक होने का दम भर रहे थे। हाँ। और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी नाक में दम कर रहे थे। मुझे अपनी नाक कटने का डर, और वे मेरे सहायक होने का दम भर रहे थे, पूरी श्रद्धा के साथ मेरी नाक में दम कर रहे थे। और अंत में एक छोटा सा टुकड़ा देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, किसी व्यक्ति का रोता हुआ चेहरा देख लीजिए, न सावन सूखे न भादों हरे, अक्सर वो कहते हैं ना, मैंने कहे मेरे एक पंक्ति जोड़ी है इसमें मजा लेना, सावन सूखे न भादों हरे, हर मौसम में मरे। भाई हरेश जी, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो हमारी भाषा है ना, ये मुसीबत के वक्त पे ही काम आती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई इनकम टैक्स वाला छापा मार दे तो पहले तो अंग्रेजी में गुर्राते और बाद में हिंदी में गिड़गिड़ाते। आप देखिएगा, अचानक हमारे भीतर का भाव बदल जाता है। आप एयरपोर्ट पे देखिए, जब लोग बहस कर रहे हो, अगर मान लो फ्लाइट, बाय बाय माय फ्लाइट इज लेट, बाय बाय, हां वी हैव पेड द मनी, व्हाई दिस, आए ना आए, एयरपोर्ट के अंदर है तो अचानक अंग्रेजी निकली, बस स्टैंड पे देखिए, काय नहीं बच जा रही है बे, वही आदमी जो एयरपोर्ट पे वाई 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 कर रहा, काय बे, पैसा नहीं दिए क्या, हम बस नहीं जाएगा, बस नहीं, बस जाएगा, खड़े होकर बस स्टैंड पे। असली आदमी तभी जागृत होता है जब उसके आसपास का वातावरण ठीक रहो, वरना आजकल की मम्मियां बच्चों को पीट पीट के, नो नो बेटा, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली टू बिस्किट बेटा, वन इज हैंड में, वन इज हैंड में, भाषा गई हैंड बैंड में। क्या किया जाए इस भाषा का, अंग्रेजी बोलने का ऐसा। हमारे पड़ोस में एक साहब रहते थे, वो अचानक बेचारे बेहोश हो गए, तो मैंने बोला क्या भाभी जी, क्या हो, नहीं नहीं पता नहीं भाई साहब, अभी तक तो सेंस में थे, सडनली नॉनसेंस हो गए।
क्या किया जाए? हमारी अपनी भाषा पे गर्व हमें करना चाहिए, चाहे हमारी तमाम भाषाएं हिंदुस्तान की भाषाओं से खूबसूरत क्या है। और भाषा पढ़ाने वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे पास हिंदी के प्रोफेसर हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका बताएं? जी मेरा नाम डॉक्टर ममता झा है और मैं नरसी मोहन जी कॉलेज में विगत 23 वर्षों से हिंदी भाषा को पढ़ा रही हूँ। बहुत स्वागत है आपका ममता जी हमारे इस कार्यक्रम में। कैसा महसूस कर रही हैं आज और कैसा महसूस करती हैं हिंदी पढ़ाते वक्त? मैं हर वक्त बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ जब भी हिंदी पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिनका पैशन और रोज़गारी, मतलब जिनको जो पसंद है अपनी ज़िंदगी में, उनकी रुचि और रोज़गार दोनों का समन्वय एक साथ हो गया है। क्या बात है, वाह डॉक्टर ममता वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ और आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप यहाँ पे पधारी इस हेतु। मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूंगी जी अवश्य इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी के लिए, कि कोमल पुष्पों की माला है, कोमल पुष्पों की माला है, बच्चन की मधुशाला है, जो कबीर के माथे का है चंदन, उस हिंदी को मेरा वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर ममता जी। मैं श्रीमती मनीषा सिंह मलाड के मित्तल कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका के पद पर पिछले 25 सालों से काम कर रही हूं। जी मनीषा जी, क्या बात। और हिंदी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, हिंदी ने चलना सीखा, रुकना नहीं सीखा। हिंदी चलती रही लहराते हुए, इठलाते हुए, आज विश्व के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर पहुंचने के लिए लोग कितने सालों तक कोशिश करते हैं। तो मैं हिंदी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से, कि हिंदी माथे की बिंदी है। लोग कहते हैं जो लगाए बिंदी वही पढ़ाए हिंदी, तो मुझे इस बात का बड़ा नाज है कि मैं बिंदी लगाकर हिंदी पढ़ाती हूँ, और अगला जन्म मिला तो मैं फिर से मातृभाषा हिंदी में ही पढ़ाना चाहूंगी। क्या बात है मनीषा जी, वाह जी। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा अलापुरिया। जी पूजा जी, पिछले 13 वर्षों से मैं क्राइस्ट अकेडमी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसे पढ़ा जाता है, वैसे ही लिखा भी जाता है। इसके साथ साथ बच्चों के अगर मन के उस अंतस्तल में उतरना है तो हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ आज बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, उन भावों को समझने के लिए, उस विचारों को समझने के लिए मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि बच्चे बड़े खुलेपन से मेरे पास आते हैं और अपने विचारों को बताते हैं, और उन समस्याओं को मुझे हल करने में इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि एक माँ स्वरूप मैं उनका एक कर्तव्य निभा रही हूँ। और इवन मेरा नाम जो है उन्होंने माँ के नाम से सेव किया हुआ है फ़ोन में, माँ। तो गर्व फील होता है कि मैं एक ऐसा विषय पढ़ा रही हूँ कि जिसको आजकल के बच्चे बोलते हैं हिंदी बहुत टफ है, मैं ऐसे टफ सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे बड़ा नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी तीन जो हिंदी की शिक्षिकाएं हैं यहाँ आई, ममता जी, पूजा जी, मनीषा जी, तो मैं यही कह सकता हूँ आप तीनों को सुनने के बाद कि आप तीनों को सुन के और कोई ना विचार मेरे मस्तिष्क में दूजा है, आप तीनों को सुन के और कोई ना विचार मेरे मस्तिष्क में दूजा है, हिंदी ने मनीषी और मनीषा बनाया हमें, ममता दी उसके आंचल की छांव में हिंदी ही पूजा है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। और वो लड़का जिसने हिंदी पढ़कर पवन की गति से आगरा से बाहर निकल के सारे देश में अपना मुकाम बना लिया, वो है पवन आगरी, हम सबके छोटे भाई और एक बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के मालिक, और आज बड़े खूबसूरत भी लग रहे हैं। पवन, ईश्वर करे तुम्हारे खुद के कपड़े भी इतने अच्छे हों। पवन आगरी। पवन, ये क्या था? नहीं नहीं वापस, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, ताली बजाइए एक बार, ये क्या था? हिंदी में, ये हिंदी, ये हिंदी, मतलब क्या हिंदी क्या ये? अभी बताता हूँ सर। अभी हाँ, कैसे बताते हो? ये जो आंगिक भाषा है, फिर से ये जी मतलब क्या, क्यों निकल आते हैं ये हाथ ऐसे?
हिंदी वालों के हाथ फैले हुए नहीं होने चाहिए, हिंदी वालों के हाथ तो देने वाले होने चाहिए। जोरदार तालियां पवन आगरे के लिए। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन लोगों को विशेष शुभकामनाएं हैं जो रात को अंग्रेजी पीकर हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। देखिए साहब, हिंदी की स्थिति आजकल हो क्या गई है। एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने पूछ लिया कि भैया पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है शैलेश जी? जी, मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। बहुत अच्छे। तो देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हम लोग परीक्षाएं देते हैं, और उसमें 4-5-6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं, उसमें एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी हैं। एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे ये भी याद नहीं रहा, फर्रे बोलते हैं जिनको, जी। अब उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। कविता शुरू करता हूं जी, कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, वाह वाह पवन, क्या बात है, आपने सही बताया, हमारी भाषा का हाल ऐसा ही हो गया है। अच्छा, हम शो ऑफ अंग्रेजी में एक लफ्ज है, एक शब्द है, जो दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, तब अचानक अंग्रेजी बोलने लगते हैं, लेकिन मन में तो हम हमारी भाषा में बोल रहे होते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गाँव में पढ़ा हरेश भाई, और उस जमाने में हमने बचपन में जो पहाड़े जिस भाषा में सीखे थे, आज जब मैं पूरी दुनिया में कहीं भी लेक्चर देने जाऊं और या कुछ पढ़ाने जाऊं या कुछ प्रेरक वक्ता की तरह जाऊं, तो शायद बोर्ड पे वो दिखावा नहीं है, क्योंकि वहां तो भाषा समझते नहीं है, वो अंग्रेजी ही समझते हैं। तो उस वक्त मैं गणना करते हुए शायद अंग्रेजी में बोलूं, 15 × 2, 15 × 3 = 45, वो मैं कितना भी कर लूं, जो मन है वो मेरा उसी भाषा में बोलता है। 15 × 15 = 45 मन से वही निकलेगा। हम ये आडंबर क्यों करते हैं?
हम ये दिखावा क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए फिर बच्चे ऐसे जवाब देते हैं। क्लास में टीचर ने बच्चे को पूछा मुहावरे पढ़ाते हुए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताओ। कि कोई लड़की जब कंगन पहन के स्कूटी चलाती है तो पुलिस वाले आरसी नहीं मांगते। ऐसे ऐसे अर्थ बताए जाएंगे तो क्या किया जाएगा। मिलते हैं हमारे मित्रों से जो हमारे हिंदी के प्राचार्य हैं, आचार्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित किया गया। गत 27 वर्षों से मैं विल्सन महाविद्यालय में हिंदी, माफ कीजिएगा आपका नाम क्या है? सुनीता चौहान। जी सुनीता जी, एक बड़ी कमाल की चीज मुझे लगी सुनीता जी, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ बीच में। जी कहिए। मतलब तीन महिलाएं साथ बैठी हो और उनसे अगर उम्र पूछ ली जाए तो वो दो दो तीन तीन साल कम बताती है। जब ये पढ़ाने की बात आई तो ममता जी ने 23 कहा, मनीषा जी ने 25 कहा और इन्होंने 27 कहा। क्या बात है, बढ़ रहा है यहाँ पे, वाह। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और गर्व भी है कि कनिष्ठ महाविद्यालय में विल्सन में मैं 1995 से पढ़ा रही हूँ और हिंदी के प्रसार के लिए अनेक अनेक गतिविधियां हर वर्ष हम लोग करते हैं और बढ़ चढ़ के विद्यार्थी भी बहुत सहयोग देते हैं। और जैसा कि मैं कहूंगी कि ये दिलों की भाषा है जी। हिंदी विभाग हमेशा विद्यार्थियों से भरा पूरा रहता है और जहां बच्चे कहीं और नहीं जाए, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वाणिज्य का हो या कला का कोई विद्यार्थी हो, लेकिन हिंदी में जब हिंदी का लेक्चर है तो बच्चे इतने आराम से जब बैठ जाना चाहते हैं और हमें भी लगता है कि 2-3 मिनट ले लो, थोड़ा आप सुस्ता लो, क्योंकि अभी तक वो बहुत ही गंभीर विषय पे जा रहे थे। हम उनको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से इतना सहज बना देते हैं कि उन्हें भी पढ़ने में आनंद आता है और हमें भी पढ़ाने में आनंद आता है। क्या बात है, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया, ये हमारी मित्र मंडली है महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के दिनों की। अच्छा, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं सर? यस। अच्छा, आप साथ पढ़े हुए हैं सर? हाँ, लेकिन हम अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक साथ पढ़े हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। और हमारी मित्र मंडली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठ कर हम लोग पढ़ाने वाले पढ़ने वाले ग्रुप में से है जी। और हमारे प्रोफेसर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जैसा की आपने वो पहाड़े वाली बात कहा, तो हिंदी के विद्वानों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जब हिंदी का ओरिजिन कहाँ से निकला है तो सुनने के बाद हमारे ऑडियंस, मुझे लगता है विद्यार्थी भी हैं और विद्वत जन भी हैं, माहेश्वर सूत्र से जो हिंदी निकली है, महर्षि पाणिनि ने शंकर जी की उपासना की और 14 सूत्र निकले। वो 14 सूत्र को मैं एक मिनट में बोलना चाहूंगा जी। आयु उड़ा रिल रिक ए ओंग ए औच है वर लण य मंगण नम जबई गड़दस जब गड़दस खप छठत छठताओ कपई सक्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इसी को जब हमारे प्रोफेसर हमको पढ़ाते थे और हम आने वाली पीढ़ी को पढ़ाते हैं और भाषा को इतनी क्लिष्ट बना देते हैं, जैसे भाषा की परिभाषा क्या है, सिंपल में हम कहें तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना जी। लेकिन उसके डेफिनेशन की क्लिष्टता को देखिए, भाषा यादृच्छिक अवयवों द्वारा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक भाषा भाषाई समूह आपस में विचार विनिमय करता है। ये बात हम क्लास में पढ़ा नहीं सकते जी। तो इसलिए हम लोग शब्दों को आसानी से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, इस तौर पर हिंदी को बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मुझे लग रहा था पीरियड 45 मिनट का है क्योंकि प्रोफेसर का पीरियड। सर मौका मिल गया तो हम लोग, ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। नहीं होता है, हमारे एक मित्र हैं वो भी पढ़ाते हैं, अब वो घर जाते हैं उनकी बीवी से जब झगड़ा हो जाता है शुरू हो जाते हैं वो, और बीवी कुछ नहीं सुनती, बोले कोई बात नहीं 45 मिनट बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है,
ये एक दूसरे को विचार विनिमय का माध्यम है और भाषा को उदार होना चाहिए। हमारी हिंदी बहुत उदार है, हमारी तमाम भाषाएं उदार है जो दूसरे शब्द अपने में समाहित कर लेती है। हमें हर भाषा से ये सीखना चाहिए कि जीवन में उदार होना चाहिए, जहाँ कुछ अच्छा हो उसे ग्रहण कर लीजिए, अपना अच्छा अपने पास जरूर रखिए और बांटिए भी और बुराइयों को फेंक दीजिए। आज विशेष ये एपिसोड है हमारा हिंदी दिवस पे, 14 सितंबर है और हमारे देश की हिंदी का जो हाल है नई पीढ़ी का, मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा सा कई बार कष्ट भी होता है। जैसे पिछले दिनों मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, उसने कहा सर मैं 14 सितंबर की पैदा हूँ। मैंने कहा बड़ा एहसान होगा अगर आप पैदा के आगे ईश भी लगाते और ये कह दें कि मैं 14 सितंबर की पैदाइश हूँ। लेकिन मैं उसमें पीढ़ी का कोई दोष नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि कोई भी शब्द तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक सुना नहीं जाएगा। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कहेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें ताकि वो अच्छा बोलें भी, अच्छा सुने भी और अच्छा कहें भी। और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे पहले कि मैं सुमित्रा सरल को बुलाऊं, हमारे बीच में तिवारी साहब हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी, मुंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा है जी, जो सन 1935 में बनी थी। आप 35 से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 20 साल हुआ है। अच्छा, हाँ। वो संस्था को अभी तक हम लोग कार्यरत रखे हैं जो गांधी जी ने बनाई थी। उस समय हिंदी का ही प्रचार के लिए ये संस्था बनी थी और आज हमारे साथ में कम से कम 250 शिक्षक जुड़े हुए हैं। क्या बात है, वाह। 25,000 से 30,000 विद्यार्थी हमारे साथ में काम कर रहे हैं और प्रचार के ही लिए हम लोग दिन रात सेवारत रहते हैं। बहुत बढ़िया। और आपका ये कार्यक्रम हिंदी दिवस का जो रखा गया, ये देख के अति प्रसन्नता हो रही है कि आपने बहुत अच्छा एक योगदान किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आप हमारा आभार न माने, क्योंकि मैं हिंदी के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ समझता हूँ उस मामले में कि मैं भाषा के लिए करूँ कुछ, क्योंकि मैं हिंदी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो कुछ किया है हिंदी ने मेरे लिए किया। मैं उस लेकिन उसको मैं जो बना जीवन में भाषा की वजह से बना। ये मंच जो है ये मेरी माँ के समान है, तो इसको प्रणाम करते हैं हम लोग। हमें जो कुछ दिया जिसके हम लायक नहीं थे वो माँ हिंदी ने दिया, हमारी भाषाओं ने दिया। इसलिए हमें इसका एहसानमंद होना चाहिए, हमें इनका आभारी होना चाहिए और हम कृतज्ञ हैं हमारी इस भाषा के लिए जो हमें ईश्वर ने सौंपी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे और उस युवती को सुनते हैं जो हिंदी कवि सम्मेलनों में अलग ढंग से अपनी बात कहती है और बेताब है आसमान पे छा जाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुमित्रा सरल आने वाले कल की एक स्टार होंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुमित्रा सरल। हिंदी दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी जब बोलते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, मैं चार पंक्तियों में बताने की कोशिश करती हूँ। सुने लता के गीत सुन कर के मेरा आंगन महकता है, यह सच है। आरती सुनता है तो चंदन महकता है। मैं इतना मानती भी हूँ, मैं इतना जानती भी हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ तो मेरा जीवन महकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। हिंदी से प्यार करते हैं उतना हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। मैं एक गीत आपके बीच देशभक्ति का सुनाना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ, सुने। युद्धों के निर्णायक नव में और रविम तलवारों में, प्राण की जगती ज्वाला में और आजादी के नारों में, जिसमें सब कुछ मिट जाता के चांद सिटी।
अच्छा गीत पढ़ा तुमने कि सब खड़े हो गए। जिंदाबाद हिंदुस्तान है, भारत है और सदैव रहेगा। हिंदी दिवस के दिन मुझे बड़ी खुशी है। वाद्य बजाने वाले लोग तो बड़े प्रतिभाशाली होते ही हैं, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक नया आविष्कार किया है। उन्हीं में से एक बच्चा हमारे बीच में बैठा है, आर्यन नाम है शायद उसका, अगर मैं गलत नहीं हूं। आर्यन कहां हैं आप? आर्यन यहां है। आर्यन मुझे अभी कुछ दिनों पहले स्वाधीनता दिवस के समारोह में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था, वहाँ गया और मैंने आर्यन को देखा तो मुझे लगा कि नई प्रतिभाएं किस तरह से विकसित हो रही हैं। तो मुझे लगा आर्यन को एक बार यहाँ आना चाहिए और बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं। ज़रा इन सबको भी बताइए। आर्यन ज़रा यहाँ पर आइए, ज़ोरदार तालियाँ बजाइए आर्यन के लिए। Yes, आर्यन स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या करते हो आर्यन आप? बीट बॉक्सिंग। तो जरा करके बताओ भाई क्या करते हो तुम? हम संगीत के बारे में ज्यादा समझते नहीं है, हमारे लखन जो हमारे संगीतकार है वो समझते हैं। लखन बताओ क्या लगता है, कुछ कर पाएगा? जी शैलेश जी, ये प्रतिभा कैसी अच्छी लग रही है तुम्हें? बहुत अच्छी प्रतिभा है, नया है। हाँ। आज की जनरेशन का है। आपको लगता है इसमें भविष्य है इसका आगे? अब ये तो भविष्य ही जाने क्या भविष्य अभी, लेकिन अभी यंग लोगों में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो तुम। बोले यार नए लड़के इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं शैलेश जी, तो मतलब ये तो गड़बड़ बात है। लखन खुल के तारीफ करो। खुल के बहुत बढ़िया लगा, सभी लोगों ने एंजॉय किया। देखो बेटा हम संगीत में नहीं समझते, ये लोग संगीत में समझते हैं। इनके पांव छू के आशीर्वाद लो जो संगीत समझते हैं, जरा जाओ उनसे पांव छू के आशीर्वाद लो। अच्छा मैंने पांव छूने की बात की तो लखन तो सामान्य था, तबले पे जो संदेश है वो घबरा गया एकदम, उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्योंकि जिंदगी में संदेश को मैं जानता हूं बहुत साले, बोले जितने भी लोगों ने आज तक टांगों की तरफ देखा तोड़ने की बात की, छूने की किसी ने नहीं की। खैर ये तो हमारी आपस की बात है, हम बढ़ते आगे जिस सेगमेंट की ओर हम जा रहे हैं उसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है।
असित सेन साहब क्लास में आए हैं और ये बच्चों ने कुछ कार्टून वार्टून बना रखा है, कुछ कोई किसी को कुछ याद आता है? शैलेश जी, अभी मैंने इस दृश्य को देखा और मुझे लगा कि असित सेन जी अपने किसी छात्र से कुछ यूं कहना चाह रहे हैं कि फेल छात्र को शिक्षक ने बहुत डांटा और धीरे से दिया उसके गाल पे एक चाटा, बोले मूर्ख यह तेरी तीसरी बार फेल की मार्कशीट आई है, सच बता क्या तूने नेता बनने की कसम खाई है? वाह क्या बात है पवन, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे प्यार से चाटा देना समझाओ। जैसे कि आप देते हैं। नहीं, प्यार से कैसे चाटा दिया जाता है? मतलब चाटा तो चाटा ही होता, जैसे कोई कहे कि पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। भाई हल्का लाठी चार्ज कैसा होता है? लाठी चार्ज तो लाठी चार्ज होता है, आज चाटा प्यार से कैसे होता है? जरा मुझे समझा। जी, जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसे बता रहे, मुझे बताओ जी। क्योंकि आप प्यार से हमें चाटा देते हैं, हम आपको अपना शिक्षक मानते हैं, तो मैंने उसी अंदाज में लिख दिया। अरे बेटा वाह, बहुत बढ़िया, जब कोई जवाब नहीं सूझा तो मक्खन पे उतर आए। क्या बात है, ये देखो ये अब ये चाटा हुआ, प्यार से चाटा कैसा था? पवन, अब इसे आशिकी बोलते, चाटा नहीं बोलते। बहुत बढ़िया पवन, धन्यवाद। दोस्तों बहुत बहुत प्रसन्न हूं मैं, हिंदी के हमारे पढ़ाने वाले लोग, हिंदी को जीने पढ़ने वाले लोग, पवन, हरेशी, सुमित्रा, तीनों ने कमाल कर दिया। मैं इस एपिसोड के अंत में और क्या कहूँ, मुझे मेरी ही दो पंक्तियाँ याद आती जो कहना चाहता हूँ कि शब्द में रहूँ, अर्थ में रहूँ, बोध में रहूँ, अक्षर में रहूँ, वर्ण में रहूँ, शोध में रहूँ, इतनी ही प्रार्थना है माँ शारदा से, जब जब भी जन्म लो हिंदी की गोद में रहूँ। वाह भाई वाह।